2005 में आई थी फिल्म बंटी और बबली और इसे काफी लोकप्रियता मिली थी, एक हिट फिल्म साबित हुई थी। अब 16 साल बाद बंटी और बबली 2 आ रही है, जिसके दो सितारे सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी वाघ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज में। 16 साल पहले जब ये फिल्म आई थी बंटी और बबली, काफी हिट साबित हुई थी, आज भी लोग उस फिल्म को याद करते हैं उसकी कॉमेडी की वजह से। क्या आप लोग ने ये फिल्म तब देखी थी और कभी सोचा था कि इसकी सीक्वल बनेगी इतने सालों बाद और उसमें काम करने का मौका मिलेगा? कुछ बताएं। सिद्धांत आपसे शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल देखी थी, किसने नहीं देखी वो फिल्म। हमने बचपन में देखी थी, मैं 11 साल का था और फिल्म देखते ही मैं बाहर आया थिएटर से और मैंने कैसेट तब मिला करती थी वो खरीदी मैंने, उसे वॉकमैन में डाला, रात भर डांस किया मैंने उसके बाद बर्थडे पार्टी। कौन से गाने पे? कजरारे पे, धड़क धड़क पे, नच बलिए पे, सारे गाने हिट थे उसके। और उसके बाद जितने भी गणपति में मतलब फंक्शन होते थे, पंडाल लगते थे, मुंडन पार्टीज होती थी, सब में डांस किया मैंने और गमछा और रेबैन पहन के। तो ये आइकॉनिक फिल्म रही है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन कि एक दिन मौका मिलेगा बंटी बनने का और कभी सीक्वल भी आएगा शायद इसका, तो ये कभी सोचा भी नहीं था और ये काफ़ी बड़ी बात। चलो जी, आप क्या कहेंगे? आपने उस वक्त फिल्म देखी होगी, कभी सोचा था कि एक फिल्म बनेगी इस तरह की जिसका सीक्वल बनेगी फिल्म की और आप उसमें एक हीरोइन के तौर पर कभी नजर आएंगी? मैं एक्चुअली 8 साल की थी जब ये फिल्म आई थी और मुझे याद है कि मैंने ये फिल्म बहुत बार उसके बाद भी देखी है। मेरी मॉम जो थी उन्होंने सेम कपड़े सिलवाए थे रानी मैम जैसे, वो कॉलर कुर्ता, फिर झोला, स्क्रंची जो हाथ में वो पहनती थी, उनके बड़े बाल भी वो फेमस हो गए थे ऐसे टेक्स्चर्ड, ऐसे गीले से बाल वो उनके थे, तो वो सब हम करके ना शादियों में चले जाते थे। मैं और मेरी बहन काफ़ी सिमिलर लुकिंग होता था, अगर मेरी पैंट ब्लू है तो उनकी शर्ट ब्लू होती थी, तो हम ऐसे मैचिंग करके जाते थे सब जगहों पर। तो जो वैसे तो बिल्कुल नहीं लगा था एक्चुअली, किसे मालूम था कि एक पार्ट 2 भी बनेगा। और हम एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत है कि हम इस फिल्म का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल नहीं मतलब कभी सोचा नहीं था। बंटी और बबली में रानी मुखर्जी थी और इस सीक्वल में भी हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? उन्होंने 25 सालों में एक अपनी अलग स्पेस बनाई है, क्या कहना चाहेंगे रानी मैम के साथ काम करने को लेकर आप? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम पिक्चरें देखते थे उस दौरान हमने जिन एक्टर्स को देखा है जिन्हें देखकर हमें लगा कि यार एक दिन मुझे भी उनके जैसे बनना है, उनमें से एक रानी मैम मिली है। अच्छा। और तो जब मुझे उनके साथ एक सीन में खड़े रहकर काम करने का मौका मिला तब मेरे दिमाग में ये सोचना था कि अब डायलॉग मत ढूंढना, क्योंकि इतना एक नर्वसनेस थी, एक एक्साइटमेंट थी, तो बहुत ही सरियल फीलिंग रही है उनके साथ काम करके। पर वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल इंसान है। उन्होंने हम दोनों को संभाला है, हमारे हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं, ऑन सेट ऑफ सेट इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं। एक सबसे अच्छी बात रानी मुखर्जी ने आपको कही हो, सबसे अच्छी बात जो आप चेरिश करेंगी वो मोमेंट, वो बात? अभी हाल में हम दो पीछे चार पांच दिन पहले एक प्रमोशन के लिए शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कैजुअली पूछा कि क्या लग रहा है फिल्म आ रही है इतने सालों बाद, तुम्हारी पहली पिक्चर है, बताओ क्या लग रहा है। तो मैंने बोला मैम मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी एक्साइटेड हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे फुल लाइक एक्शन वाला जो टेक होता है ना वो करके दिखा और बोला देन योर फैब यू कांट बी नर्वस। तो अगर रानी मैम ने मुझे ये बोला है तो मैं हमेशा अपने आप को वन योर फैब यू कांट बी नर्वस। सिद्धांत, गली बॉय में जो आपका किरदार था एमसी शेर का, काफी इंटेंस था, काफी सीरियस किस्म का किरदार था, उसकी एक बैक स्टोरी भी थी, वो जिस तरह के परिवार से आता है, डैड की पापा की एक हिस्ट्री भी होती है, और सडनली जो दूसरी फिल्म आ रही है कॉमेडी फिल्म है, ये जो ट्रांजिशन है आपका एक इंटेंस कैरेक्टर से लेके कॉमेडी करना, हर अभिनेता को अलग अलग तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं, लेकिन ये जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है एक कॉमिक किरदार निभाने का, वो कितना अलग था और इसे आपने इस किरदार को मतलब आपने कैसे एडजस्ट किया कि उस फ्रेम ऑफ माइंड में आना कि अभी कॉमेडी करनी है मुझे? देखिए, एक एक्टर के लिए आई थिंक ये बहुत मज़ेदार बात होती है कि अगर वो अलग अलग किस्म के किरदार कर पाए और इतनी जल्दी अपनी करें।
इसके पहले भी इनसाइड एज आई थी, एक सीरीज थी अमेजोन पे, इसमें भी कुछ अलग था। बिल्कुल, मैंने वो सीरीज देखी है। वही है सर, मुझे मज़ा इसी में आता है कि कुछ सरप्राइज करूँ मैं खुद को, लोगों को सरप्राइज करूँ। और अगर एक्चुअली सही मायने में कहा जाए तो ये बंटी मेरी दुनिया से ज़्यादा, मेरे बिहेवियर या जैसा मैं हूँ उससे ज़्यादा पास है। एम सी शेर नाम है, रैप करता हूँ। आप रैप करते हैं? सीख गया हूँ फिल्म के बाद। आप लिखते भी हैं? आपने सब इंटरव्यूज में कहा भी है, सुनाया भी है इनफैक्ट। वो मैंने लिखा था सर उसके लिए प्रेपरेशन, उसके पहले ना मैं रैप सुनता हूँ ना उसके बाद रैप सुनता हूँ, और ना ही मैं उतना इंटेंस हूँ जिंदगी में। वो मैं काफ़ी मतलब फन लविंग और बड़ा ही मतलब मुझे मज़ा आता है, कॉमेडी फिल्म मुझे देखने में मज़ा आता है, कॉमेडी करने में मज़ा आता है। तो ये ज़्यादा इनफैक्ट बंटी मेरे किरदार जो के पास है, जो मेरा जो पर्सनल जो टेस्ट है उससे ज़्यादा ये पास है। और यशराज की फिल्म है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि पहली फिल्म में एज अ हीरो यशराज का हीरो, तो यही बड़ी बात है। लेकिन ट्रांजिशन सर मुझे मज़ा आता है, वो मेरे लिए बोरिंग हो जाता है अगर मैं सीन से किस्म के किरदार प्ले करता, तो फिर मैं शायद सी ए ही कर लेता, मैं 9 से 5 जिंदगी जी लेता मैं, क्योंकि पॉइंट ही यही था कि मैं एक बनकर पढ़ाई की है। अगर एक ही चीज़ करनी होती जिंदगी में सर, अलग अलग चीज़ें करनी है, एक ही जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जीनी, और इस फिल्म में ही मैंने 4 अलग किरदार करने का मौका मिला है मुझे। 4 फिल्में कर ली आपने बंटी बब्ली 2 करके सर, मुझे बड़ा मजा आया, मेरे लिए यही वो होता है, फ्यूल होता है मेरे लिए कुछ मिले अलग कुछ करने का मौका। शर्वरी ने जैसे बताया कि रानी मुखर्जी उनकी फेवरेट रही हैं, और कभी उन्होंने सोचा था कि वो उन्होंने इंस्पायर किया रानी मुखर्जी ने, आप सैफ के साथ काम कर रहे हैं, रानी मुखर्जी के साथ काम कर रहे हैं, सबसे चेरिशेबल मोमेंट आपके लिए क्या रहा दोनों के साथ काम करने का, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप बता पाएं दोनों के साथ काम करने के अनुभव को लेकर? बहुत ही कमाल का था, मतलब मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ दोनों का, इंडिविजुअली भी और साथ में भी, जब वो आते हैं पर्दे पर तो उनका जो चार्म है, उनका जो ऑरा है वो कुछ अलग ही है। तो ऐसे तो देखा है उनको पर्दे पे इतने बार, हम गाना गाते हुए डांस करते हुए, बट जब सामने मिलते हैं तो फिर और भी आप हक्के वक्त हो जाते हैं कि मतलब यार ये तो हैं जैसे हैं, जितने मतलब कमाल के हैं, प्लस एट द सेम टाइम वो कितने ग्राउंडेड हैं, कितने ईजी हैं, कितने कम्फर्टेबल आपको महसूस कराते हैं, कितना स्पेशल। उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई मौका छोड़ा हमारी तारीफ टेक के बीच में भी, और अभी तक मैसेज आते रहते हैं कि हमारे परिवार ने फिल्म देखी स्क्रीनिंग में, तो बहुत तुम्हारी तारीफ करते, तो जब मौका मिलता है दोनों हमारी तारीफें करते रहते हैं, और जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत नए हैं, तो और ऐसे दिग्गजों से जब आता है ये तो बहुत ही एक मोटिवेशनल का वो एहसास आता है, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। और चेरिश तो आई थिंक पूरी फिल्म ही है जिस तरह से हमने की है, एक एक मोमेंट है हमारी जो टांग खिंचाई करते थे वो, हमारे साथ जो मस्ती मजाक। हाँ तो कुछ बताइए टांग खिंचाई के बारे में, मतलब किस तरह से वो प्रैंक प्ले करते थे, क्या हुआ था, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि जब नए एक्टर्स होते हैं और सीनियर एक्टर्स साथ में काम करते हैं तो नए लोगों की बहुत लेग पुलिंग होती है, प्रैंक्स किए जाते हैं, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ, कुछ बताएं? ये प्रैंक तो हम पूरी फिल्म में ही कर रहे हैं लोगों के साथ, तो प्रैंक तो नहीं किया, बट छोटी छोटी चीजों पर टांग खिंचाई हो गई जी। जैसे जैसे हम अगर कुछ सीन शूट कर रहे हैं तो मैम और सर ना हमें हंसाने के लिए कभी कभार ऐसे बड़े फेसेस बनाते थे, और मुझे सिद्धांत को लगता था कि इतने बड़े एक्टर्स हैं, हम ऐसे हंसना कैसे शुरू कर दें कैमरा के सामने, तो हम थोड़े से कंपोज हो जाते थे कि अब हम हंस नहीं सकते। बट उसमें एक मज़ा था क्योंकि वो एक वाइब बन जाती है सेट पे, क्योंकि हमारी कॉमेडी फिल्म है, अगर हम सब एक हंसी मजाक में फिल्म बनाएं तो वो वैसे ही बाहर आती है। आपने तारीफ की बात की कि हमेशा तारीफ करते रहते थे सैफ और रानी, और अभी भी मैसेजेस आते हैं, आपकी तारीफ तो अमिताभ बच्चन भी कर चुके हैं, जब आपने गली बॉय की थी, एमसी शेर का किरदार निभाया था, वो आपके लिए सबसे चेरिशेबल मोमेंट रहा होगा अब तक का? हाँ, वो सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए जब उनका खत आया, और अभी मैं KBC में गया था करने, तो काफी मतलब कुछ जब ऐसे लोगों से, मतलब जो दिग्गज हैं, जो लेजेंड हैं, आइकॉनिक हैं, तो जब उनसे महानायक हैं एक तरह से सिनेमा के, जब उनसे ये सारी चीज़ें आती हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, काफ़ी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ सही कर रहा हूँ ज़िंदगी में। तो उन्होंने ट्रेलर भी देखा, दोनों की तारीफ कर रहे थे और उन्हें ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा लगा, तो
देखते हैं कि अब फिल्म आ रही है तो क्या होता है, बट हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि हम केबीसी पर जा पाए, उनके सामने बैठकर हमने एक हॉट सीट पर बैठकर एक गेम खेली है, उन्होंने हमारी तारीफ कर दी, तो हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जब दो नए एक्टर्स साथ में काम कर रहे होते किसी फिल्म में तो ये ज़रूरी होता है कि उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत आपस में अच्छी हो जब वो शूट कर रहे हों, और तब वो पर्दे पर बहुत अच्छी उभर कर आती है। आप लोगों की केमिस्ट्री ट्रेलर में नज़र आ रही है। पर्सनल केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूँ तो कुछ खास आप लोग बताना चाहेंगे शूटिंग के अनुभव एक दूसरे को लेकर, और ऐसी बातें अपने बारे में, इनके बारे में और इनके बारे में जो हमें नहीं पता हो, आप लोगों ने डिस्कवर की हो एक दूसरे के बारे में, ऐसी कुछ खास बात बताना चाहेंगे आप दोनों एक दूसरे के बारे में? मैं और सिद्धांत एक्चुअली हम एक्चुअली बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2014 से लेके अभी तक बहुत सारी ऑडिशन की लाइनों में हम एक दूसरे को मिल चुके हैं। हम ऑडिशन फ्रेंड्स थे, हम ऑडिशन फ्रेंड्स थे, हम आराम नगर में बैठते थे और फिर उसके बाद सडनली हम यशराज में बैठने लग गए, तो हमारे लिए वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग थी क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को स्ट्रगल करते हुए देखा है। हम काफ़ी ऑडिशन भी जाते जो हम दोनों को नहीं मिलते थे, तो आई रिमेम्बर हम एक दूसरे को मैसेज भी करते थे कि तुम्हें ऐड मिली नहीं मिली। एक फिल्म भी थी, एक फिल्म भी थी कुछ आई थिंक 4-5 साल पहले जिसमें हम दोनों शायद वो लॉन्च फिल्म थी, बट वो फिल्म ही नहीं हुई, हमें अब नाम भी नहीं मालूम, नाम बनी ही नहीं, बनी नहीं, नहीं शॉर्टलिस्ट होके हम पहुंच गए थे वहां तक लेकिन कभी बनी। हाँ, सिर्फ शॉर्टलिस्ट होकर एक कुछ मतलब अनाउंसमेंट या उस तक पहुंची भी नहीं थी बात, बट हमने उस टाइम पे हमारी दोस्ती बन चुकी थी, फिर उसके बाद वापस हम लग गए थे लाइनों में, तो हमारे लिए ना वो एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था क्योंकि हम दोनों एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं, हम दोनों भी सीख रहे हैं फिल्मों के बारे में, और जब एक ऐसा फ्रेंड एक साथी मिल जाता है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो आपकी मदद करे ताकि आपका पोटेंशियल 100% दिखे, तो आई थिंक वो बहुत स्पेशल होता है। कुछ बताना चाहिए कौन बना रहा था वो फिल्म जो बनी नहीं जिसमें आप दोस्तों काम कर रहे हैं? नाम ही याद नहीं है मुझे तो। एक्चुअली सर 2014 में हुआ था, बहुत पुरानी बात है, हम कॉलेज से जस्ट निकले ही थे। हाँ, हम मुझे भी याद नहीं है, टैलेंट हंट जीते थे उसके उसी से आई थिंक हमको डिस्कवर किया गया था, और आई थिंक वही शुरुआत थी जिसके बाद हमने ऑडिशन देना शुरू किया, जब वो रिजेक्शन आया है तब उसके बाद ही हमको थोड़ा धक्का लगा है तो हम और तेज भागे और भागते भागते से यहाँ तक पहुँच गए। आप लोग 2014 से ही ऑडिशंस दे रहे हैं और फिल्मों में आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने होते हैं अनचाहे, आपके साथ ऐसा हुआ होगा इनसाइड एज में काम करने से पहले, गली बॉय में काम करने से पहले, उन वो जो रिजेक्शन की कोई दास्तां ऐसी खास आप सुनाना चाहेंगे हमें इस वक्त? मेरा एक वही किस्सा है कि यही जो फिल्म ये बता रही है जिसमें हम थे, तो वो हम उसकी आई थिंक 6 महीने की कुछ प्रेपरेशन हुई थी, और वो काफ़ी मैं 21-22 साल का हुआ तब, काफ़ी यंग था, मैंने अभी शुरू किया था ऑडिशन देना, और शुरू में ही अगर आपको ऐसा मौका मिल जाए आप वहाँ तक पहुँच जाओ कि अब तो हो गया, तो मुझे ज़िंदगी के बारे में पता नहीं था कितना मुश्किल होता है, मैंने कहा कि यार मैं तो पहुँच गया यार, मेरी फिल्म मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लोग बोलते हैं ज़रूर मेरे में कुछ बात है, तो वो 4-5-6 महीने तक चली थी, उसके बाद जब वो नहीं हुई, जब वो नहीं बनी फिल्म तो मैं आई थिंक वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और मुझे याद है कि और उस फिल्म की वजह से मेरे घर में काफ़ी फंक्शंस थे जिसमें मैं नहीं गया क्योंकि मैं बैठा रहा कि कब बुला लेंगे लोग, तो उस समय जब वो नहीं हुई फिल्म तो मुझे याद है मैं घर आया वापस और मैंने अपने बाल शेव कर लिए। अच्छा, और कुछ 4 महीने बस बाल शेव कर लिए, मैं बहुत बड़ा धक्का लगा जिंदगी में। कोई फोटो संभाल के रखी उसकी है? सारी फोटो। अच्छा, बाल शेव कर लिए मैंने, मॉम जब मम्मी पापा आए वो फंक्शन से मेरे भाई की शादी से क्योंकि मैं जा नहीं पाया था, तो दरवाज़ा खोला मेरी माँ ने देखा मुझे, मेरी माँ के आँख में से आंसू आ गए, क्या हो गया? मैंने बोला नहीं हुई, लेकिन तू क्या हुआ? मैंने बोला नहीं पता नहीं क्या, बट वही 3-4 महीने लिए मैंने, फिर बाल जब आए थोड़े बना के फिर ऑडिशन नहीं लग गए, लेकिन वो आई थिंक वो काफ़ी बड़ा पहली बार जब आपको शुरुआत में जब इतना मिल जाता है और ना मिलता है ना, जब अचानक ही जो झटका लगा है मुझे उसके बाद, थोड़ा डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में थे। हाँ, मतलब नहीं डिप्रेस नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं मुझे शायद अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ेगा, कुछ गलत किया होगा मैंने, कुछ गलत सोचा होगा, तो ध्यान तपस्वी मुद्रा में चला गया था मैं, तपस्या था वो, तो
आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने तीन फिल्मों में असिस्ट किया, एडी रही हैं आप, बाजीराव मस्तानी जैसे कि आपने बताया भी, प्यार का पंचनामा और एक फिल्म और लव रंजन की, हाँ, तो आपने भी कई ऑडिशन दिए, क्या कुछ खास बताना चाहेंगी? वो जो रिजेक्शन मिलते हैं वो बहुत हार्ड ब्रेकिंग होते हैं समटाइम्स, बहुत हार्ड ब्रेक हो जाता है और आप उससे उभरने में बहुत वक्त लगता है, ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो जैसे कि इन्होंने बताया? माल उभरने में भी बहुत वक्त जैसे वो भी कह रहे हैं, मैंने जब ऑडिशन देना शुरू किया था मैं 16 साल की थी, तो मुझे लगता था कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इंडस्ट्री जानने में, एक्टिंग समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत बार आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको नहीं मिलता, वो सबसे ज़्यादा आपको उसका दर्द होता है क्योंकि आप ऑलमोस्ट पहुँच जाते हो और फिर वो आपको नहीं मिलती। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब मुझे रिजेक्शन मिलते थे तब मैंने सोचा था कि मुझे सीखना चाहिए इससे कुछ, इसीलिए मैंने जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम लिया ताकि मैं समझूं, मैं सीखूं कि फिल्म कैसे बनाते हैं। और सबसे मुश्किल मुझे ऐसे लगता है एक एक्टर के लिए ये होता है कि आपको अगर काम नहीं है आपके पास तो आपको घर पर बैठना पड़ता है, और जो घर पे बैठने का एक जो फेज होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वो सबसे मुश्किल वो ही होता है। आसपास के लोग, आपके दोस्त कम काम कर रहे होते हैं, कॉलेज जा रहे होते हैं, हमें तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला जो सर्कल था उसमें सब सीए बन गया, आमदनी हो रही है और यहाँ पे लड़का बेरोजगार बैठा और आप घर पे बैठे, लोग जज भी कर रहे होते हैं लड़का क्या कर रहा है, बिल्डिंग में नीचे उतरो तो यार तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, तुम अपना कंप्लीट कर लो, ये सब नहीं करना चाहिए तुमको, बहुत सारी चीज। माँ बाप के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि परिवार वाले जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी बड़ा उसमें आपको टिप्पणी देने लगते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, तो वो सब को आई थिंक उस सब से उभरना और आगे आना और गिवअप ना करना, और यशराज की फिल्म करके बंटी और बबली 2 के पोस्टर पे आना, आई थिंक वो जवाब है सब चीज़ों। इसीलिए वो जब वो एक घर पे बैठने का जो पीरियड होता है उसे काउंटर करने के लिए मैंने सोचा कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर करना है, क्योंकि एक डेली मूवमेंट आपकी लाइफ में आपको ज़रूरी होती है, आप ऑडिशन तो दे रहे हो पर उसके साथ आप काम सीखो, कुछ करो। तो इसीलिए मैंने उस दौरान 3 पिक्चरें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर की, और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने को, अपने खुद को, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है उससे। पहली फिल्म आपकी आदित्य चोपड़ा के साथ और आपकी दूसरी फिल्म और सैफ के साथ और रानी के साथ भी आप दोनों ने काम किया, जाते जाते आखिरी सवाल कि और क्या बकेट लिस्ट में, किस किस के साथ काम करना चाहते हैं आप लोग, क्या ख्वाहिशें रखी है, पाल रखी है आप लोगों ने कि इसके साथ काम करना है, उसके साथ काम करना है, ऐसे जाते जाते अगर इस सवाल का जवाब दें? तो उससे ज़्यादा है कि मुझे अच्छा काम करना है, चाहे जिसके साथ भी हो जो भी हो, मैं सबका ही फ़ैन हूँ, सबसे सीखाऊँ, सब लोगों से सीखाऊँ। तो मेरे लिए अब ये हो गया कि एक तरफ तो है वो फैन बॉय, लेकिन एक तरफ एक जिम्मेदारी खुद के लिए भी है एज एन एक्टर, तो अच्छा काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी फ़िलहाल, और बाकी अगर अच्छा काम करते रहेंगे तो शायद ये दिग्गजों के साथ काम करने का मौका ही मिल जाए, फिर वो शायद बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिल जाए, तो पहले प्रूव करना है हमें अच्छा काम करके, उसके बाद हम चॉइस करना, आई थिंक हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे कि हम चूज करें। मतलब ये पहली पिक्चर है, बहुत सारे होप्स और ड्रीम्स इस पिक्चर से जुड़े हुए हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे लिए नेक्स्ट क्या है। चलिए एक छोटा सा सवाल और जाते जाते हैं कि फिल्मी बंटी और बबली जो है एक दूसरे को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे आप दोनों? बंटी एडजेक्टिव आपको इस्तेमाल करना, नाम नहीं मतलब मुझे इनको डिस्क्राइब करना, इनको हाँ, एक एक वर्ड में अगर कुछ कहना चाहे पर्सनालिटी के बारे में। चौंचा, मैं यही बोलने वाली थी, आई स्वेयर मेरे मुंह से छीन लिया, चौंचा कहीं लड़की बता रहे हैं हमको, आई स्वेयर मेरे मुंह से छीन लिया, मैं यही सोच रही थी, और ये शब्द एक्चुअली सदान ने मुझे सिखाया है जस्ट बाय द वे, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। यूपी का स्लैंग है चौंचा, लग रही चलिए अभी भी उनसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों की जो उम्मीदें हैं इस फिल्म से बंटी और बबली 2 से वो तमाम उम्मीदें पूरी हो, और बढ़िया से बढ़िया किरदार आप लोग निभाकर लोगों का मनोरंजन करते रहें। थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू शिव, रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।